वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पीसी में जो है वर्चुअलाइजेशन ऑन कर सकते हो। वो भी बात करेंगे हम विंडो 10 की। तो विंडो 10 हो या फिर आपके पास गीगाबाइट वगैरह का कोई भी जो है बायोस हो गीगाबाइट का, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग में जाना है, विंडो 10 के लिए बता रहा हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अपडेट एंड रिकवरी पे सिक्योरिटी पे जाना है, रिकवरी पे जाना है। रिकवरी के ऊपर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एडवांस स्टार्टअप, उसके नीचे अपने को बटन दे रखा है रीस्टार्ट नाउ का। रीस्टार्ट नाउ को जो है हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना पीसी जो है वो रीस्टार्ट होने लगेगा। उसके बाद ये पॉपअप आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे हमको जाना है ट्रबल शूट पे। ट्रबल शूट पे जाने के बाद हमको जाना है एडवांस ऑप्शन पे। एडवांस ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा UEFI फर्मवेयर सेटिंग। यहाँ पे जाने के बाद जो है ये रीस्टार्ट के लिए मांगेगा, तो अपने को जो है दोबारा से यहाँ से रीस्टार्ट कर देना। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट उस टाइम को जो है आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है उसका। अभी जो है अपने पीसी के बायोस जो है हमारे सामने खुल के आ गए हैं। तो ये है अपनी बायोस वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना क्या जो है सब कुछ इसके बारे में। अभी आपको क्या जाना है कि सिस्टम, यहाँ पे आ जाना है आपको MIT में। ये गीगाबाइट के लिए मैं बता रहा हूँ, गीगाबाइट का यदि आपके पास जो बायोस है या फिर आपके पास जो है गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे MIT पे आना है। MIT के आने के बाद एडवांस फ्रीक्वेंसी ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद जाना है CPU जो है एडवांस CPU ऑप्शन पे। एडवांस CPU ऑप्शन पे जो आप जाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ऑप्शन दे रखा है ऊपर है कोर परफॉर्मेंस बूस्ट, AMD कूल एंड क्विंट क्वाइट फंक्शन, एक है SVM मोड। तो SVM मोड को जो है आपको डबल यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इनेबल पे क्लिक कर देना है। इनेबल पे क्लिक करने के बाद जो है, अब जैसे यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको इधर आना है और यहाँ पे सेव एंड एग्जिट जो है उसको जो है वो यहाँ पे आके कर देना है सेव एंड एग्जिट। उसके बाद यहाँ से ये मांगेगा कि आपको सेव करके जाना है, उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। और ये सब होने के बाद जो है आपको यहाँ से जो सेव एंड एग्जिट है वो कर देना है। उसके बाद जब जैसे ही आप वो सेव एंड एग्जिट करके यस करोगे, तो उसके बाद जो है ये दोबारा से जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा से जो है आपका ये विंडो खुल के आने वाली है। और उसके बाद जो है ये शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वर्चुअलाइजेशन जो है वो ऑन हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत ये बात नहीं है। गीगाबाइट के लिए SVM मोड दिखाता है, अदर के लिए जो है ये वर्चुअलाइजेशन दिखा देता है। बाकी फंक्शन यही होता है विंडो 10 में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय।